महिलाओं के सम्मान का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार में महिलाओं का कितना सम्मान है, इसकी एक बानगी मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के कोयली गांव में देखने को मिली है। यहां गांव के ही कुछ दबंगों ने एक महिला के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना के बाद महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस घटना के बाद कई दिनों तक पीड़िता महिला का इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में चलता रहा। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन मौन है। कागजों पर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई, लेकिन महिला को लगातार धमकियां मिल रही हैं। न्याय के लिए पीड़िता महिला थाने से लेकर SSP तक हर जगह गुहार लगा चुकी है। न्याय के लिए दर दर भटकती महिला ने रोते बिलखते अपनी दास्ता सुनाई। हाँ बताइए क्या हुआ था? सर रोड ढला रहा था, हम डेरा पर जा रहे थे, इतने पर डॉक्टर साहब को बेटा बोले कि आए ए महे काहे जा रही है, तो हम कहे कि किनारा से जा रहे हैं। इतने पर लगा गाली देने, बहुत गंदा गंदा गाली दिया, तो हम कहे कि तुमको घर में माँ बहन नहीं है, से हमहूँ तो माए बहन है कि पितियाई लगेंगे, इतना गंदा गंदा काहे गाली दे रहा है। इतने पर कह रहा है कि मार के मुआ देंगे, गर्दन तोड़ देंगे, कोनो ना तोहर बाप बचावे, तो हम कहे कि कहे किनारा से जा रहे हैं, हम कथी किए हैं कि गर्दन तोड़िएगा। इतना पर हमको ससुर आए तो बोले कि आए कहला एकरा कैसे गाली दे रहे गंदा गंदा, ससुर के पटक दिलक, धक के धकेल दिलक, बूढ़ आदमी गिर गेला, तो गेली उनकरा के उठावे, ससुर के उठावे गेली तो हम लोग को पटक दिला, और पटक के लागल मारे मार के पूरा गोतर गोतर देह फोड़ दिला। पहले राधे से हम मारलक, ओकरा अयलक डॉक्टर साहब महिंदर डॉक्टर, तो वो मारे लागल, विनोद हैलन डॉक्टर साहब के भतीजा, भाई बहन देख कथी भेलक हँ, तो देखा नहलक रास्ता पर आग लगलक, एहन तेन बतिया, तो विनोद रोड उखाड़ लेलक, रोड ढलाई रहलक तो वही में के रोड उखाड़ के विनोद आ मार के पूरा देह फोड़ दिलक, पूरा देह में करिया करिया चिन्ह भेल बा। ए पर राधे से हम फरसा चलेलक, छीप लेली तो आँख पर कट गेल, तो आँख कटा गेल, 7 दिन भर्ती 6 दिन रही मेडिकल में, जै दिन भर्ती रही तै दिन डॉक्टर साहब आवे 10 गोरे 15 गोरे के लेके, आ कहे देखिए नहीं है भर्ती है, तो वहाँ के डॉक्टर के घूस उस दे देलक। वही पीड़ित महिला के अधिवक्ता पीड़ित महिला को न्याय दिलाने में जुट गए हैं। इस पूरे मामले में आज स्थिति ये है, जिस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि मैं महिलाओं के बल पर चुनाव जीत कर आया हूँ, उस राज्य में ये दो महिला खड़ी है मीनापुर थाना के, और इनके साथ वहाँ के दबंग लोगों ने मारपीट किया है, मारपीट कर इनके माने प्राइवेट अंग पर इन पर हमला किया गया है, इनके साथ बदतमीजी हुआ है, जिसका फोटो भी है, देख लीजिए फोटो है, ये भी फोटो है, और उसके बावजूद भी ये महिला वहाँ भर्ती रही मेडिकल कॉलेज में SKMCH में, और वहाँ का थाना प्रभारी और वहाँ के दबंगों के मेल में आकर उस पर उचित धारा भी लगाने का काम नहीं किया, 307 नहीं लगाया, 354C नहीं लगाया, सिर्फ 354 लगाया है, 379 लगाया है, 379 भी मैंने ऐसा धारा लगाया है, 506, 323, 324 मैंने खड़े खड़े बेल हो जाने वाला। इसलिए मेरा प्रार्थना है जिला के कप्तान से, पुलिस कप्तान से, कि ऐसे लोगों को अति शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और महिलाओं का जो है सुरक्षा प्रदान किया जाए। गांव की पीड़ित महिलाओं के पति दूसरे प्रदेशों में रहकर काम करते हैं। एक महिला खौफ के साए में पल पल जीने को मजबूर है। कहीं दूसरी महिला रोती बिलखती पुलिस प्रशासन से न्याय दिलाने और दबंगों की गिरफ्तारी के लिए गुहार लगा रही है। फिलहाल अधिवक्ता ने महिलाओं को सुरक्षा और न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट।